आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरामिल ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये मैंने दो अंडा ले ली हूँ। जार में मैंने दो अंडे तोड़ के डाल दी हूँ। ये नॉर्मल जो ब्रेड आता है उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रही हूँ। मैंने इसकी साइड नहीं निकाली हूँ, आप चाहो तो इसकी साइड भी निकाल के डाल सकते हैं। खाली वाइट हिस्सा ये मुझे पसंद है इसलिए मैं ये भी डाल रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने तीन ब्रेड का यूज़ की हूँ। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब मैं दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर लूँगी। और ये 100 ग्राम मैंने शक्कर डाली हूँ। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने आधा लीटर फुल फैट मिल्क ली हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा ही डाल रही हूँ और इसको मैं इन सभी चीज़ों को मैंने एकदम बारीक पेस्ट बना ली हूँ। बाकी का बचा हुआ दूध अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैं अपने बर्तन में जिसमें मुझे जमाना है उसमें शक्कर डाल दी हूँ थोड़ी सी, और इसको मैं चूल्हे पे रख के कैरामल कर लूँगी। ये देखिए मेरी शक्कर अब पिघलने लगी है धीरे धीरे, थोड़ी देर में ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए अब ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगी। अब इसे मैं पूरे बर्तन में कोट करने लगी हूँ। इसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं इसमें आहिस्ता से ये अपना जो दूध था वो डाल रही हूँ और इसको मैं सिल्वर पेपर से कवर करके पका लूँगी। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले नीचे पानी डाल दी हूँ, ऊपर से स्टैंड रख दी हूँ। अब इसे मैं स्टैंड के ऊपर रख दी हूँ और ऊपर से मैं लिड लगा दूँगी और उसको 35 से 40 मिनट के बाद ये बनके एकदम तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत अच्छा सेट हो गया है। ये ऊपर से थोड़ा सा लूज़ होता है, अंदर से एकदम बहुत अच्छा सेट हो चुका है, तो मुझे ऐसा ही चाहिए। अब मैंने इसे 1 घंटे के लिए ठंडा कर ली हूँ। अब मैं इसे अपने बर्तन में निकाल रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा बना है मेरा, मेरी पुडिंग बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है। अब इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ।
जब भी आपके इधर कोई मेहमान आ रहे हों आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा।